और अब खबर भरतपुर के कामा से है, जहां विलग गांव में महिलाओं से हंसी मजाक करना कुछ युवकों को उस समय भारी पड़ गया जब दूसरे पक्ष के लोगों ने विरोध किया और दोनों तरफ से लाठी बाठा जंग शुरू हो गई। इस घटना में करीब एक दर्जन लोग घायल हो गए हैं और सभी घायलों का कामा अस्पताल में इलाज जारी है। वहीं सूचना पाकर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में भी जुट गई है। इस दौरान एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के लोगों पर महिलाओं से गंदी हरकत करने का आरोप लगाया है। बलग में झगड़ा हो रहा है दो पक्षों में, पुलिस मौके पर गई, यहाँ उनको गाड़ी में बैठा करके हॉस्पिटल एडमिट कराया। तीन जेंट्स और